हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा क्रिएशंस। आप सभी को अंजू का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने लिया एक कार्डबोर्ड और उसको मैं एक प्लेट की मदद से गोल मार्क कर लूँगी और फिर मैं इसको काट लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसके तीन पीसेस लिए हैं और फेविकॉल की मदद से मैं इसको आपस में जॉइंट कर दूंगी। मैंने तीन पीसेस इसलिए लिए हैं क्योंकि ये कार्डबोर्ड मेरा पतला है, इसको थोड़ा सा थिक बनाने के लिए और मजबूती देने के लिए मैंने तीन पीसेस एक साथ में जॉइंट कर दिया। फिर मास्किंग टेप लगा दिया थोड़े थोड़े गैप करते हुए। अब मैं इसको स्केल की मदद से थोड़ी थोड़ी दूरी पे मार्क कर लूँगी। इस तरह से मैंने साइड में, फिर बीच में और एक सेंटर में मैंने मार्क कर लिया है। अब मार्क की हुई जगह पर हमें होल बना लेना है। इस तरह से देखिए, तो ये हमने चारों तरफ बना दिया है होल। अब मैं इसको कवर करूंगी, जिसके लिए मैंने लिया एक ग्लिटर पेपर और उसको फेविकॉल की मदद से मैंने लगा दिया। लेकिन दोस्तों, अगर ग्लिटर पेपर में हम हॉट ग्लू का इस्तेमाल करेंगे तो इससे वो जल्दी चिपक जाता है, फेविकॉल से नहीं होता, मतलब खुल जाता है। मैंने फिर बाद में हॉट ग्लू का यूज़ किया है, वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया पर आपको बता रही हूँ। तो देखिए, जहाँ हमने होल करके रखे थे उसी जगह पर फिर से मैंने दोबारा इस साइड में कर दिया, क्योंकि ये हमारी कवर हो गई थी। तो इस तरह से मैंने पूरा फिर से होल बना दिया। अब पीछे साइड के लिए मैंने लिया एक पिंक चार्ट पेपर और उसको मैंने फेविकॉल की मदद से लगा दिया और इसको भी मैं इसी तरह से इस साइड में भी होल बना दूंगी। तो देखिए, ये हमने कर लिया है। अब मैंने लिया क्रिस्टल के बीट्स, एक रेड कलर और वाइट कलर, और लिया है इस टाइप के गदे, शायद इसको गदा ही बोलते होंगे। तो ये दो कलर का मैंने लिया है। अब एक लाइलॉन के थ्रेड के अंदर मैं ये गदा डालूंगी और उसको अच्छे से नॉट लगा दूंगी और फिर मैं एक वाइट कलर का इस्तेमाल इसके अंदर करूंगी। तो देखिए, इस तरह से हमें वाइट कलर इसमें डाल देना है और हम अपने हिसाब से कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, जैसा हमें पसंद हो। तो मैंने रेड कलर का एक बनाया है और वाइट कलर का। तो देखिए, रेड कलर में मैंने वाइट कलर का गदा यूज़ किया, फिर चार गदे को मैंने लाइलॉन थ्रेड के अंदर डाला और उसको भी नॉट लगा दिया इस तरह से, और एक रेड और एक वाइट करके मैंने कॉम्बिनेशन करते हुए इसको भी बना दिया। तो ये देखिए, ये हमारी बनके रेडी हो गई है। तो तीन साइज के मैंने इस तरह से बना लिए हैं। फिर हमें जितने बीट्स के धागे चाहिए उतने हमने बना के रखे हैं, जितने हमने होल बनाए हैं ना उसी हिसाब से हमें बनाना है। तो मैंने सारा रेडी कर लिया है, ये देखिए। फिर मैं इसको कवर कर दूंगी, जिसके लिए मैंने लिया कलरिंग सेलो टेप और इसको मैं अच्छे से चारों तरफ लगा दूंगी ताकि कार्डबोर्ड हमारी दिखाई ना दे। तो देखिए, हमने लगा दिया। फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और डेकोरेशन करूँगी। तो इसके लिए मैंने लिया एक लेस और इसको हॉट ग्लू की मदद से मैं लगा दूंगी। इससे काफ़ी सुंदर भी लगेगी और कोई नहीं कह सकता है कि कार्डबोर्ड से बनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने लगा दिया। अभी कितनी सुंदर लग रही है, ग्लिटर पेपर के साथ मैच हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जो होल हमने बना के रखे हैं उसी के अंदर हमें एक एक करके इस थ्रेड को डालना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ एक किस तरह से हमें डालना है। इस तरह से
लगा देना है। और साइड में मैंने छोटा वाला रेड कलर का यूज़ किया है और बीच में वाइट कलर का। अब हम इन दोनों को आपस में नॉट लगा देंगे ताकि ये खुल ना जाए, और सभी को हमें इस तरह से नॉट लगा देना है। और ये जो बड़ा वाला हमने बनाया है उसको हमने सेंटर में डाला है। तो देखिए सबको नॉट लगाकर मैंने रेडी कर लिया। अब जो इसके थ्रेड निकले हुए हैं ना उसको हमें काट के निकाल देना है ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो इस तरह से मैंने इसको काट दिया। तो फिर एक स्केल की मदद से मैं इसको मार्क कर लूँगी। चारों तरफ मैं चार मार्क करूँगी। तो दोस्तों इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये बनने के बाद रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए इस तरह से हमने मार्क कर लिया और उसके अंदर भी हमें होल बना लेना है। इस तरह से होल बना लिया हमने। अब एक वाइट कलर का बीट्स मैं लूँगी और लाइलोन के थ्रेड के अंदर डाल दिया और उसको अच्छे से नॉट लगा दिया। अब हमने जो होल करके रखे हैं उसी के अंदर हम इसको डालेंगे ताकि बैक साइड हमारा टांगने के लिए हो जाए। तो ये देखिए एक एक करके मैंने वाइट कलर का बीट्स इसमें डाल दिया और इसे ये टांगने के लिए हो जाएगी और काफ़ी सुंदर भी लगेगी। तो ये आपके घर को चार चांद लगा देती है, इतनी सुंदर झूमर बनती है ना। तो देखिए इस तरह से हमें नॉट लगा देना है और सभी थ्रेड को हमने इसी तरह से नॉट लगा दिया ताकि वो खुल ना जाए। तो दोस्तों ये देखिए हमारी झूमर बनके रेडी हो गई है। और अगर हम इसको मार्केट में लेने जाएंगे तो काफ़ी महंगी भी मिलती है, लेकिन अपने हाथ के बनी हुई हो तो बात ही कुछ और होती है। तो फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप देख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।